press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good afternoon friends, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में ट्यूबवेल ऑपरेटर की जॉइनिंग के, ठीक है। तो चूंकि 12:17 अभी हो रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में हमारी बात आयोग के UP SSC आयोग में हुई है, ठीक है, जिसमें हमने उनसे पूछा है इसकी ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, कब तक ज्वाइनिंग होगी उसके बारे में पूछा है। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ इसके ट्यूबवेल ऑपरेटर की सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो मैं आपको इसमें रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको एक दोस्तों चीज़ आपको और बता दूं, जो लोग मुझे कहते थे कि मैंने आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिजल्ट बताया उससे पहले कि आप मेरे फेक बनाते हो, दोस्तों फेक वेक कुछ नहीं होता है। जैसे आयोग में पहले जो बात करते थे रिकॉर्डिंग होनी की है, आप सुन सकते हो, हमारा एक ग्रुप है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जिक्र का बात का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका है, ठीक है। आयोग में जब हमने उनसे पूछा है कि इसके ज्वाइनिंग के बारे में, तो ज्वाइनिंग के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ हमें यही मिल पाई है कि जो हमारी जो ज्वाइनिंग होगी अब सिंचाई विभाग के हाथों में चली गई है, ठीक है। क्योंकि पहले भी यही बात थी, आयोग का काम होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट हम तक पहुंचाना, उसके बाद फाइल बनाकर जो है सिंचाई विभाग के आयोग को दे दी जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ, जो रिकॉर्डिंग पर उनसे बात हुई है आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? जी मदन बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से। जी मदन बोल रहा हूँ, मुरादाबाद से। मदन मुरादाबाद, बताओ। सर मैं कह रहा हूँ जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का फाइनल रेट आया सर, सर उसमें मतलब प्रोसेसिंग क्या कराएगी? मतलब सर आगे ज्वाइनिंग वगैरह कब तक होने वाली है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है सर? ज्वाइनिंग आपका डिपार्टमेंट कराता है, ठीक है, और आप लोगों के जो अभिलेख हैं वो 20 दिसंबर तक यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो उसके बाद ज्वाइनिंग आप अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करिएगा, ठीक है, कि वो आपको ज्वाइनिंग कब कराते हैं। अच्छा सर, और सर इसमें मतलब कितना टाइम लग सकता है ज्वाइनिंग मिलने में, लगभग आपको अंदाजा होगा? वो हमको नहीं पता कि ज्वाइनिंग कब तक कराएंगे, वो कितना टाइम लेंगे वो। अच्छा सर, आप 20 दिसंबर तक भेज देंगे सर ये डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग आज की हमने बात की है वो आप रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं। तो यानी कि टोटली मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर तक तो हमारी फाइल जो है आयोग जाएगी, और उसके बाद आयोग के साथ हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। लेकिन जो है कि मैं आपको बता दूं, प्रोसेस काफ़ी तेज़ चल रहा है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको दिसंबर के लास्ट तक ही ज्वाइनिंग मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगती होगी, प्लीज़ इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।